भाई जी फोन पीछे कर दो, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा प्रधान चढ़ो, मेरे भी आगे जाओ, इधर देखो तुम, मेरा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो तुम। सुनील जाखड़, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। सारे जिहड़े डीसीसी प्रधान है, नवे जिहड़े प्रधान बने है, उन्हां सारयां नूं अज इत्थे बुला के सारयां नाल उन्हां नूं वधाई देण वास्ते, ते उन्हां सारयां नाल जिहड़ा मिशन 13 मिशन 13 जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अनाउंस किया 2019 के पार्लियामेंटी चुनावों को लेकर 13 सीटा पंजाब कांग्रेस की झोली दे विच पा के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने वास्ते जिहड़ा मिशन उलीकिया कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उहदे वास्ते सारे साडे नवे डीसीसी के प्रधान है जिहड़े, उन्हां नाल बैठ के विचार वटांदरा करन वास्ते मीटिंग बुलाई गई। जाखड़ साहब, क्या इस तरीके से फीडबैक भी लिया जाएगा कि जिस तरीके से सरकार के या विधायकों की नाराजगी की बात है, क्या संगठन के अंदर की इस तरीके कार्यकर्ताओं के अंदर कोई बात हो, इस चीज़ का भी फीडबैक सब? कोई किसी किस्म की नाराजगी किसी के पास नहीं है, और क्योंकि सारे नए जो प्रधान आए हैं, ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, उनकी जो अपनी शंकाएँ हैं, जो समस्याएँ वहाँ ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्याएँ हैं, उनको हल करवाने के लिए क्या कदम उठा सकती है पार्टी, क्या पार्टी और सरकार के बीच में किस किस्म का तालमेल बेहतर बनाया जा सके, ताकि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री जो लोग देखना चाहते हैं उसमें हमारा पंजाब का पूरा योगदान। देखिए, मैं समझता हूँ वहाँ ना सिर्फ उनसे आने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जोश और उमंग भरी जाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ, मैंने कल भी इस बात के लिए कहा था कि राहुल जी की और प्रियंका गांधी जी की जो टीम है, एक ड्रीम टीम के तरह राजनीति को एक नई दिशा नई मोड़ की तरफ लेके जाएगी, और बिल्कुल उनके प्रियंका जी के राजनीति में आने से मैं समझता हूँ विपक्षी दलों खास तौर पे बीजेपी के खेमे में पूरी भगदड़ मची हुई है। जाखड़ साहब, सरकार की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जिनके नाम पे कहेंगे कि 13 की 13 सीटें जो हैं आप जीत जाएंगे? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल के दौरान इस काम किए हैं, चाहे वो कर्जा माफ़ी को लेके है, चाहे पंजाब के अंदर नशे को ख़त्म करने को लेके है, चाहे पंजाब के अंदर अकाली बीजेपी सरकार के दौरान जो गुंडा राज यहाँ पे फैला हुआ था, लॉलेसनेस थी, उसको ख़त्म करके रूल ऑफ लॉ जो एस्टेब्लिश किया है उसको लेके लोगों के पास जाने के लिए, चाहे गरीबों के लिए उनकी पेंशन की स्कीम बढ़ाई गई है, ये सारी बातें लेके ग्रामों के विकास के लिए जो पैसे अभी सैंक्शन किए हैं, उन सारे मुद्दों को लेके पंजाब के लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, बड़ी समस्यावां हैगियां 10 साल दे, तुसीं आप ही कह रहे हो, 10 साल दे जिहड़े कंडे बीजे है उन्हां नूं कढ़न दा प्रयास कैप्टन साहब कर रहे हैं। जिन्ने सरकार कोल साधन है उन्हां साधनां दे विच जो कुछ मैक्सिमम कीता जा सकता है सरकार कर रही है, ते आने वाले दिनां दे विच साडे कोल जिहड़ा लोकां ने 5 साल दा लोकां ने विश्वास दित्ता सीगा, उहदे विच 2 सालां दे अंदर ही जिहड़ा काम अकाली 10 सालों से नहीं कर सके वो कैप्टन साहब ने करके दिखाए है। कर्जे माफ़ी वाली जी स्कीम चालू की है, पेंशन वधाई हैं, जो बादल साहब न 10 साल लगे 250 रुपये वधाने से, इस किस्म की जी प्रॉब्लम्स है उन्होंने सारे लोग समझते हैं, तो असं प्रयास करांगे भी जिहड़ा जिहड़ा वादा, क्योंकि बहुत सारे नुकताचीनियाँ हो रही सीगियां भी अजे टैलीफोन स्मार्टफोन नहीं दिते बच्चों, वो भी इन पाइपलाइन है, वह भी बच्चों दिते जा रहे हैं, होर भी जी समस्या उन्होंने भी हल किया जाऊगा। ड्रग्स को लेकर सुनवाई थी जाखड़ साहब, देखो राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लीयर कट एजेंडा है, हरेक वर्ग नूं रिप्रेजेंटेशन मिले, हर एक वर्ग नूं उन्होंने प्रतिनिधि उन्होंने पूरा उन्होंने बनता मान सत्कार उन्होंने मौका मिले, जिदे विच यूथ का भी महिलावां का भी समाजिक जिहड़े तौर पर पिछड़े हुए वर्ग है उन्होंने भी हरेक वर्ग के लोगों योगदान अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जिहड़े वर्कर्स ने काम किया उन्होंने सारिया गलों कंसीडर करके इवेंचुअली कौन कितों इलैक्शन लड़ूगा एदा फैसला राहुल गांधी जी ने, दिल्ली साड़ी जड़ी सीईसी बनूगी उदे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी राय नाल तय किया जाऊगा। एक ड्रग्स को लेकर सुनवाई थी जाखड़ साहब हाई कोर्ट में, और उसके अंदर अनुपम गुप्ता जो वकील हैं उन्होंने एक सिनॉप्सिस दिया है
या पूछा गया था कि कौन से केस जो है सबसे ऊपर रहने चाहिए, उसके अंदर पंजाब के एक बड़े नेता उनका एलिगेशन जिस तरीके से लगते हैं ये कहा गया हाईकोर्ट के अंदर, ये ऐसे केसेस हैं जो प्रायोरिटी के ऊपर होने चाहिए। आपको लगता है इससे जांच के अंदर या केस के अंदर अभी तेजी आएगी? मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से जिन लोगों को लेके पंजाब के लोगों के विच जिहड़ा अज भी लोग मन विचलित है, जिन्हां दे कलेजे बलूंदरे पए है, वह मगरमच्छां नूं लैके पई है। वो मगरमच्छ किहड़े है? सारे दे सारे जिहड़े मगरमच्छ है उन्हां दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहीदी है। आई गल कांग्रेस सरकार कह रही है, आई गल हुण हाई कोर्ट के सामने आई है, आई गल जेकर कोई सुन नहीं रहा तो अकालियां दे जिहड़ी भाईवाल सरकार है जिन्हां दे हत्थ च इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ईडी दी जिन्हां कोल आ सारी जाँच पड़ताल पई है उहनूं रोकी बैठे है। साडी भी मंग है भी हाई कोर्ट दे उन्हां दे जुडिशियल सुपरविजन दे तहत इहनूं एक्सपीडाइट किया जाए ताकि लोगों दे जिहड़ा गल्लां सामने आण। नशे दे मगरमच्छ कौन सीगे, किन्हां ने बेअदबियां कराइयां, किन्हां ने उन्हां लोकां नाल मिलके जिन्हां ने बेअदबी की उन्हां नाल वोटां दे नोटां दी सांझ की, वह भी आइडेंटिफाई होकर उन्हां नूं सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। देखो सारी पॉलिसीज़ नूं कंसीडर करके आ फैसला जिहड़ा है राहुल गांधी जी ने करना है। जो पैरामीटर्स है मैं तुहानूं कहा भी उन्हां दी सोच है युवावां नूं, महिलावां नूं, पिछड़े वर्ग नूं, हरेक वर्ग नूं रिप्रजेंटेशन मिले, तो जिस तरह तुसीं कह रहे हो वह भी उन्हां दे ध्यान च है भी वन फैमिली वन रूल भी वह भी उन्हां दा है, बट आ जिहड़ा इवेंचुअल फैसला होगा राहुल गांधी जी ने दिल्ली च करने से। देखो अज तक उन्हां दे मसले ते फैसला नहीं होया। थैंक यू सर। ये नवजोत जो है जाकर के जो